अल्लाह लेकुम जी कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे तो आज का ब्लॉग जो है ना पूरा मिक्स व्लॉग होगा बहुत सारे दिनों का तो आप सबको देख के ना बहुत अच्छा भी लगेगा और मेरे साथ साथ आप भी रिफ़्रेश फील करोगे क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने कुछ रेसिपी भी शेयर की है कुकिंग और क्लिनिंग वगैरह भी मैंने जो है ना शेयर की है इस व्लॉग में तो पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा प्लीज़ लाइक करना मत बोलना अभी से बोल रही हूँ वैसे ना मिक्स व्लॉग का भी एक अलग ही मजा है अपना साथ तो वो जो है ना पूरे दिनों का व्लॉग्स मैं इकट्ठे करती हूँ फिर उसके बाद आप सबके साथ एक ही साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ तो मुझे भी मज़ा आता है कि मैंने सब कुछ शेयर कर डाला आपसे लास्ट वीकेंड जो है ना हम लोग गए हुए थे वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए तो उस दिन ना आई मैंने कार वॉश की थी बहुत नीटली तो उसने कहा था कि हम सिर्फ ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं वो भी वीकली ग्रॉसरी के लिए तो मैंने इतनी अच्छी कार वॉश की है हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसने मुझे ज़िद की कि मैं रेस्टोरेंट लेके जाऊँ तो ठीक है मैंने भी ओके okay कर लिया था फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे हम लोगों ने पहले ग्रॉसरी कर ली हुई थी उसके बाद हम लोग आए हुए थे फायर वाटर रेस्टोरेंट ये हमारे घर के पास ही है तो हम लोगों ने यहाँ पे चिकन मंचो सूप पिया और फिर मैंने जो है ना फिश ऑर्डर की हुई थी तो उसके बाद आई मैंने कहते थे कि हम बिरयानी भी खा लेते हैं तो मम्मा ने कहा कि नहीं मैं घर जाकर बनाऊँ बनाऊँगी तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बस सूप पिया फिश किया, जो है ना वो खाया और उसके बाद बाहर थोड़ा टहले फिरे उसके बाद जो है ना हम लोग वापस घर ही आ रहे थे तो ये बाहर का व्यू है रेस्टोरेंट का कर आप में से किसी को जाना हो तो आप जा सकते हो और वैसे अच्छा लगता है कि कभी कभार आप फैमिली के साथ इस तरह से छोटा मोटा टाइम जो है ना वो स्पेंड करते हो बाहर तो उसका भी अलग ही मज़ा होता है और यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम बाद भी गए हुए थे तो काफ़ी अच्छा और रिफ़्रेश लग रहा था तो खैर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है शाम में जो है ना मैं काम के बाद फारिक हुई थी तो मैंने ना अपने लिए कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वग़ैरह बाई किए हुए थे तो यहाँ मैं एवोकाडो का सैलेड बना रही हूँ और एवोकाडो जो है ना वो थोड़ा घट भी होता है और नरम भी होता है और आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से खाना पसंद करते हो तो मेरा एवोकाडो जो है ना वो नरम हो चुका था तो मैंने सोचा कि इसका सैलेड बनाते हैं वैसे ना मम्मा ने एक बार सैंडविच बनाया हुआ था एग और एवोकोडो का तो वो थोड़ा सा हार्ड था लेकिन एवोकोडो का टेस्ट ना उतना मालूम नहीं होता आपको उस, आपको जो है ना जो भी जिस चीज़ में भी आप मिक्स करते हो ना उसमें वो घुल मिल जाता है तो यहाँ पे मैं ना अलग तरीके से पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ तो ये मेरा सेकेंड टाइम है एवोकोडो को टेस्ट करना तो यहाँ पे मैंने अंडे रखे हैं उबालने के लिए तो दो अंडे मैंने सोचा था कि एविकोडो सलाद में यूज़ करूँगी लेकिन एक अंडा जो है ना मैंने डाइट के लिए रखा हुआ था क्योंकि वो जिम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने एवोकाडो को मैश कर लिया अच्छे से जो भी वेजिटेबल्स मुझे खानी पसंद है रॉ तो वो मैंने कट करके साइड पे रख लिया तो अभी डैड का आने का टाइम भी था तो मैं यहाँ उनका प्रोटीन और अंडा वो छील के जो उबला हुआ होता है वो छील के रख दूँगी और साथ में बनाना रख दूँगी डैड जैसे ही जिम से वापस आते हैं ना तो ये उनका मील प्लेटर होता है तो खैर हम वापस आ जाते हैं अपने एवकेडो सैलेड की रेसिपी की तरफ तो यहाँ पे मैं एवोकाडो मैश जो मैंने किया हुआ था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर और नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ और इसके अंदर मैं नींबू भी निचोड़ूँगी तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन सा बहुत टेस्टी लगता है तो मैंने कट की थी लहसुन थोड़ी सी एक दो गार्लिक और प्याज मैंने कट किए हुए थे अंडा जो मैंने उबाला हुआ था वो भी छील के कट कर लिया हुआ था कोरिएंडर भी मैंने थोड़े से चॉप कर लिए थे और उसके बाद हरी मिर्ची भी मैंने थोड़ी सी चॉप करके डाली थी एक या दो तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो कम स्पाइसी आपको पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हो हरी मिर्ची को तो पहले जो है ना एवोकाडो मैश के अंदर मैंने सारी जो भी वेजिटेबल्स रॉक कट कर ली हुई है वो मैं मिक्स कर लूँगी उसके बाद जो है ना एग को ऊपर से ऐड करूँगी फिर उसको हल्का हल्का सा जो है ना मिक्स कर लूँगी ज़्यादा जोर से नहीं यहाँ पहले मैं जो है ना नींबू का आधा नींबू का रस मैंने यहाँ पे निचोड़ा था आप चाहो तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्पाइसेस आप डालना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जितने स्पाइसिस ऐड करते हो तो उसकी जो भी न्यूट्रिय वगैरह है ना वो कम हो जाती हैं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ काली मिर्ची नमक थोड़ा सा और नींबू हल्का सा किया हुआ था और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें ना मैंने ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ था बस इतनी सी रेसिपी है इसकी और ये इतना मज़े का था ना कि मैं बता नहीं सकती बहुत ही अच्छा था मॉम को भी बहुत अच्छा लगा था वैसे मैं कलर के बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ इसमें वाइटामिन बी वाइटामिन बी फाइव बी सिक्स भी होता है और वाइटामिन के और वाइटामिन सी भी होता है बहुत सारे वाइटामिन होते हैं और इसमें ग्लूटाथाइन भी हाई क्वान्टिटी में पाया जाता है जो कि आपके स्किन और हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है तो आप इसको ज़रूर लें और ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप जब चाहो इसे ले सकते हो या आपकी डाइजेशन को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है हाँ नेक्स्ट डे जो है ना छोटी दिवाली थी तो यहाँ पे जो है ना ऊपर में छत के ऊपर गई हुई थी तो ये एक व्यू था जो मैंने कैप्चर किया हुआ था और सोचा था कि आप सबके साथ भी शेयर करूँगी तो आप सब भी इसको एन्जॉय करें तो जिस दिन दिवाली थी ना तो उस दिन बारिश हो रही थी और हम हमारे घर के काम वगैरह कर रहे थे और डीप क्लीनिंग वगैरह भी कर रहे थे किचन की हमने डीप क्लीनिंग वगैरह की हुई थी और शाम में बस वही रही रूटीन जो है ना फिर से फॉलो करनी होती है जो कि एक्चुअली होती है सो so यहाँ पे मैं डैड का प्लेटर तो बना चुकी हूँ ये अपने लिए मैं खा रही थी बॉयल्ड एक काली मिर्ची डाल के तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे मंथली ग्रॉसरी करने के लिए और मंथली ग्रॉसरी का टाइम भी हो गया था तो हम लोग अभी गए हुए थे यहाँ पर जब दिवाली होती है ना तो वीक बिफोर और वीक आफ्टर तक पटाखे वगैरह जल रहे होते हैं फोड़ रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना वो अब तक के भी बहुत पहले से तैयारी करके रखते हैं सजा के रखते हैं और दिवाली के बाद तक भी वो थोड़े दिन तक सजा कर ही रखते हैं और शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी सबका यही हाल होता है तो आपको बैकग्राउंड जो साउंड आ रही है तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरे घर के पास भी पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं और जब बच्चे वगैरह होते हैं ना तो उनको बहुत शौक़ होता है कि हम भी पटाखे फोड़ते हैं तो उन लोगों का शौक़ वो पूरा करते हैं और बड़े लोग जो है ना वो घर सजा कर अपना शौक़ पूरा करते हैं तो हम यहाँ पर आए हुए थे डी मार्ट डी मार्ट में हमने जो भी अपनी दो महीने की ग्रोसरी करनी होती है वो कर ली थी और उसके बाद जो है ना बाहर से मैंने ये ओरियो का आइसक्रीम मैंने लिया हुआ था और बस हमारे पास ना बस एक घंटा था हम लोग नौ बजे गए हुए थे दस बजे के अंदर हमने बिलिंग वगैरह करनी थी क्योंकि दस बजे सारा कुछ क्लोज हो जाता है तो जल्दी जल्दी में हमने ग्रॉसरी वगैरह की तो मैंने कोई क्लिप्स वगैरह भी नहीं लिए हुए थे तो इसलिए बस मैंने बिलिंग पॉइंट पे जो है ना एक थोड़ा सा क्लिप लिया तब मुझे याद आया कि मैंने अंदर कोई क्लिप ही नहीं लिया तो फिर वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था कि आप सबके साथ शेयर करूँ और बाहर का ये प्यारा सा व्यू भी आपके साथ शेयर करूँ तो ये नेक्स्ट दिन का ब्रेकफास्ट का क्लिप है और यहाँ पर मैं दोशा डाल रही थी और मैंने बहुत टाइम पहले प्रैक्टिस की हुई थी कि एक या दो दोशा डाल के तो अभी मैंने कहा था मॉम को कि मैं दोशा डालूँगी और क्लिप्स वगैरह भी लूँगी तो मम ने कहा था कि नहीं तुम आ, पूरे जो है ना चिपका दोगी या फिर तोड़ दोगी तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करने से ये तो आता है तो फिर मोम ने कहा था कि ठीक है चलो सीख लो तो ये मैं ट्राई कर रही थी और इसके साथ चटनी जो है ना वो मम बना रही थी पली की चटनी वो वहाँ पे साइड पे बना रही थी और ये जो दोशा का बैटर है ना ये भी मम्मा नाइट बिफोर ही बना कर रखती हैं और उसके बाद जो है ना सुबह वो जो भी इडली या दोशा बनाना हो तो फिर वो हमें पूछ कर डाल देती हैं वैसे खाना हमें ही होता है तो फिर हम जो खाते हैं वो भी वही खाती हैं तो हमें ज़्यादा दोशा खाने का शौक़ है और बाहर के दोशे की तो क्या ही बात है ना वो बहुत अच्छा और परफेक्ट डालते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल से जैसे मुझे आ रहा था वैसे मैं दोशा डाल रही थी तो एक क्या दो दोशे मेरे अच्छे बन गए हुए थे और बाकी सारे उनकी शेप बिगड़ी हुई थी तो उसके बाद मॉम ने भी लास्ट में एक दो दोषे डाले हुए थे तो फिर वो मैंने ले लिया और बाकी जो है ना वो मॉम मोम ने और भाई ने खा लिए हुए थे और यहाँ मम्मा जो चटनी बना रही हैं उसके भी क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ और हाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है वैसे हम लोगों ने लेट ब्रेकफास्ट किया हुआ था और उसके बाद हमें जाना था जी अमीर पेट कुछ कपड़े थे उन जिनकी मैचिंग और अंदर की लाइनिंग वगैरह लेनी थी मॉम को तो फिर ठीक है ओके कर लिया था क्योंकि बार बार दिवाली की छुट्टियाँ मिली हुई थी ना तो फिर फ्री टाइम अभी होता है बाकी दिनों में तो बस घर के काम वगैरह होते हैं और रेस्ट करना होता है तो यहाँ पे हम अमीर पेट जा रहे हैं और उसके बाद जो है न आ, मैंने वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं ली हुई यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई थी यहाँ पे एक छोटा सा मॉल होता है उसके नीचे पार्किंग एरिया होता है तो वहाँ पे सब लोग अपने गाड़ियाँ पार्क करते हैं और उसके बाद जहाँ मर्ज़ी चाहे वहाँ चले जाते हैं जो भी शॉपिंग करनी होती है वो कर लेते हैं और जिनकी गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं वो वहाँ से चले जाते हैं या फिर मेट्रो से या फिर बस या ऑटो से चले जाते हैं कुछ स्टॉल्स वगैरह बहुत होती हैं जैसे कि कपड़ों के स्टॉल्स हो गए या फिर मेकअप के स्टॉल्स हो गए और इनर वियर के स्टॉल्स हो गए तो वो बहुत सारी होती हैं यहाँ पे और हैंड बैग्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी मिल जाती है और रिज़नेबल प्राइस में ये सारी मिल जाती हैं आपको तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की हुई थी वो भी मैं आपको घर जाकर कर दिखाऊँगी और वैसे जो भी मॉम ने की हुई होती है तो उसको उसकी मुझे परमिशन नहीं होती दिखाने की और वो जब कहती हैं तो फिर तभी मैं दिखाती हूँ और जो भी मेरी अपनी शॉपिंग वगैरह होती है तो फिर वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ और यहाँ पे मैंने ली हुई थी जी ये जर्सी के आ, नाइट पैंट्स प्लाजो पैंट्स भी कह सकते हैं या फिर नाइट पैंट्स भी कह सकते हैं ये वाली मॉम ने पसंद की हुई थी तो मैंने उनको ये दिला दी और बाकी तीन जो है ना वो मैंने ली हुई थी वैसे मैंने ये इसलिए ली हुई थी क्योंकि एक अंकल ऐसी टहल रहे थे और सबके पास जाकर ये ले लो ले लो कर रहे थे तो फिर मुझे अच्छा लगा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाक़ी लोगों की तरह स्टॉल्स रखकर बैठे नहीं हुए तो फिर उनकी मेहनत को क्यों ज़ाया करना जब कुछ हमें पसंद आ रहा है और रीज़नेबल प्राइस में है ये सारी जो है ना हंड्रेड हंड्रेड की आ, उन्होंने दी हुई थी तो फिर मैंने ले ली और ये बहुत सारे टी शर्ट्स और शर्ट्स के ऊपर आ जाएंगी बहुत लाइट वेट और कम्फर्टेबल सा होता है ये और हंड्रेड वॉशेस के बात ही इसके शाइन वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं जाती और ये आयरन करने की भी इसको ज़रूरत नहीं होती ना ये जर्सी के थे और सब में मैच हो जाती हैं तो इसलिए मैंने ले ली, ली और उसके बाद ये सैंडल्स ने लिए हुए थे थ्री हंड्रेड रुपीज़ में तो फिर उनको साइज़ का कुछ इशू हो रहा था मैंने कहा था कि ये साइज़ वग़ैरह चेक कर लें यह आपका नहीं है साइज़ तो फिर घर आकर उन्होंने कहा कि तुम ले लो जब मुझे पहनना होगा फिर मैं ले लूँगी तो फिर ये मैंने ले ली और उसके बाद यहाँ पे मेरा भाई जो है ना उसको भी शौक चल रहा था कि वो भी पटा फोड़े तो फिर उसने ये ले आए और मुझे जो है ना अनार जलाना और जो नीचे से गोल गोल घूमता है पता नहीं क्या बोलते हैं वो भी जलाना बहुत अच्छा लगता है तो आप सब भी ज़रूर कमेंट करें कि आपको आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा और आगे कौन सा व्लॉग देखना चाहते हैं वैसे आगे का व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है बस जल्दी से एडिट करके आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी व्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें कमेंट लास्ट भी करें मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें असल अल्लाह